हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूँगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूँगा। तो जी, ये मूवी क्विक का दल्ला है और बड़े प्यार से धमका रहा है जी। सब चीज़ बता रहा है कि देख, तेरे नाना का नंबर ये है, तेरे पापा का ये है, और पता कर ले अभी तक क्या क्या सुनने को मिला है। और ग्राहक पूछ रहा है कि फिर हरेसमेंट करेगा, करोगे? तो हाँ जी, हरेसमेंट करूँगा, ये करना पड़ेगा। बहुत प्यार से धमका रहा है दोस्तों। आइए दोस्तों, सुनते हैं कि ये दल्ले जो होते हैं वो किस तरीके से कस्टमरों को धमकाते हैं। और कस्टमर अब जिसके बस की होगी वो भर देगा, नहीं होगी तो वो बेचारा क्या करेगा। तो आइए सुनते हैं दोस्तों। हेलो 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 प्रदीप भाई, क्या आता है? फोन काट देता बड़ा बड़ा फटाफट। हेलो, अब तो तू फोन काट कर। हेलो प्रदीप, आवाज आ रही है कौन भाई? कौन बोल रहा है भाई? भाई प्रदीप बात कर रहा है ना, पहले तो तू ये बता, हाँ या ना? मैं जब बस खाली। हाँ प्रदीप बात कर रहा हूँ, कौन बोल रहा है भाई? हाँ मूवी किस से बात कर रहा हूँ, रिहान खान। रिहान खान? हाँ जी बोलिए सर। तो ये पेमेंट करवाएगा नहीं करवाएगा ये मूवी किस की? इसकी पेमेंट सर आईडी भेजिए सर, सर अपनी एजेंट आईडी भेजिए भेजिए सर। कौन से बैंक, बैंक से बोल रहे हो या? हेलो भाई, मैं यूथ नहीं बोल रहा ना, तो बेटा मैं यूथ नहीं बोल रहा ना ये भाई, तू मेरे अकाउंट में पैसे डाल, ठीक है भाई? ये बताओ बैंक से बोल रहे हो, कहाँ से एजेंसी से बोल रहे हो भाई? भाई मैं एजेंसी से बात कर रहा हूँ, मोबिल की एजेंसी से बात कर रहा हूँ, गुड़गांव सेक्टर 62 से, ठीक है भाई? अच्छा, आईडी भेज दो सर अपनी। तो सर आईडी भेजना अलाउड नहीं है, ठीक है? क्यों सर? ये तो आरबीआई गाइडलाइंस में लिखा होगा ना सर, पहले आईडी शो करोगे तभी तो कुछ होगा। आरबीआई की गाइडलाइंस में ये भी लिखा हुआ है, तो भाई जब टाइम पे पेमेंट देती होती है, जब एक एक साल नहीं लगता ना। हाँ जी, टाइम पे पेमेंट दे देती है सर। सबसे पहले तो के समय में जब 15 दिन, सुनो मेरी बात सुनो, 15 दिन के समय में जब तुम्हें इतना टाइम लगाओगे ना, तो फिर अलाउड नहीं होता है कुछ, ठीक है? और पहली बात तो आईडी देना अलाउड नहीं होता किसी, कोई सी भी कंट्री में, कहीं कोई सी भी बैंक से चले ना, आईडी देना अलाउड नहीं होता सर। सामने होते तो दिखा दिया जाता है, अलाउड नहीं होता भेजना। आरबीआई गाइडलाइन में ना सर ये साफ लिखा हुआ है कि पहले जो भी आपसे डील करेंगे ना, उस बंदे की आईडी दिखो, आईडी कस्टमर आईडी चाहिए। देखो भाई, देखो भाई, आरबीआई का वो व्हाट्सएप पर मेरे को सेंड करो, अभी लाइन पर ही मैं, सेंड करो मेरे को, क्या लिखा हुआ है सेंड करो, फोटो कैसे पढ़ के देखो आप, पढ़ के देखो सर। मेरे को पढ़ना क्या सर, मेरे को पढ़ना नहीं आता ना, यही बात है। पहले आईडी भेजो सर, मेरे को पढ़ना नहीं आता सर, मेरे को पढ़ना नहीं आता, इसलिए तो मैं इस बारे आपसे आराम से पूछ रहा हूँ। ये जो आपके मोनू भाई है ना, आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हैं, जिनका नंबर लास्ट में 808 है, 8008। हेलो, ये जो आपके नाना जी है 645 वाले, सुनो, आपके 645 वाले जो नाना जी हैं, जिनके नंबर में लास्ट में 645 है, और जो आपके पापा सोनू पतिया है, सोनू पत, ठीक है, सोनीपत वाले, 50-39 नंबर है लास्ट में, आपके पापा जी का नंबर है ना, 50-39। क्या कर रहा है तो क्या कर बोल रहा है? तो भाई मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे पहुँच जाने से अच्छा ना, तो आप ये पेमेंट करवा दो तो फायदे में रहोगे। मैं यूँ नहीं बोल रहा, आप मेरा अकाउंट में पैसे डालो, आप मोबीक्विक ओपन करो, वहाँ पे आपका ड्यू शो कर रहा होगा, ड्यू क्लियर कर दो वहाँ पे, ठीक है? अभी आपका 12,000 रुपये में क्लियर हो जाएगा, 11,998 रुपये में, ठीक है? यानी अभी पेनल्टी के साथ वो, यानी आप हरेसमेंट करोगे सर? हरेसमेंट करोगे सर? हाँ भाई साहब, क्या कह रहे हो? हरेसमेंट करोगे सर? यही काम है, जी 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 जी, यही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पेमेंट करने के आपके वो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आपको टाइम इतना लग गया है, आप पैसे पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है? 160 दिन आपने वैसे निकाल दिए। क्यों सर, मैंने तो पे कर चुका, इससे पहले भी पे कर चुका हूँ। अरे तो इससे पहले आपने जो पे करा है ना, वो पेनल्टी में वेव हो रहा है आपको, आपको 10 बार समझा गया है, आपके छोटा छोटा का अमाउंट करके पे नहीं होता, आपको एक बार में घट्टा पेमेंट करना होता है, ठीक है? वन शॉट में पेमेंट के लिए करना होता है, ठीक है सर? अभी तो नहीं है तो आप बता दीजिए। नहीं, हेलो, आप बता दीजिए।
आप करवाओगे नहीं करवाओगे ये बता दीजिए साफ साफ क्लियर शब्दों में, फिर मैं देख लूंगा सर जो मेरे से हो सकता है मैं वो करूंगा फिर सर। हेलो, हाँ जी बोलो ना सर, आवाज नहीं आ रही क्या? सर अभी तो पेमेंट नहीं हो पाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम चाहिए सर। हेलो, मतलब आजकल में पेमेंट नहीं करवाओगे आप, है ना? ये बात है सर, ये बात आपकी है सर। सैलरी आएगी तभी तो करवा पाऊंगा ना सर, आप रुक जाओ। सैलरी भाई 13 तारीख होगी, सैलरी सबकी आ जाती है, सैलरी सबकी आ जाती है, एक तारीख के बीच में सबकी सैलरी आती है, ठीक है सर? मेरी नहीं आ रही है सर, अनोखा काम नहीं हो, सुनो अनोखा काम नहीं, सुनो मेरी बात सुनो, अनोखा काम नहीं होगा जो आपको महीने के आखिरी में या महीने के बीच में पैसे मिलते हैं, अनोखा काम नहीं करोगे। एक से दस के बीच में सबकी सैलरी आती है, सबकी। या तो सर आप मेरे को टाइम, सैलरी एक से दस के अंदर आती है और सरकारी वालों की आती है 28-29 तारीख से, ठीक है भाई साहब? अरे यार दिखाओ, हम सब ये कर चुके हैं सर, चाहे तो टाइम दो मेरे को 2-4-5 दिन का, फिर मैं पैसे करता हूँ, या तो 2-4 दिन का टाइम तो चाहिए ना सर। हेलो, आपको टाइम दे के आपने जब दूसरों से बातें करवा रहे थे ना, तो आप ऐसा करो, आप दूसरों से ही पैसे मांगते फिरो, क्योंकि आपको करने की अब बस की नहीं रही। क्यों? अब मैं करूंगा ना फिर, वो आप मैं करूंगा, क्योंकि आपसे दूसरों से बातें करवा रहे थे ना थाने वाले, कभी उससे अपने थाने वाले, अपने थाने वाले दोस्तों से बात करवाते, जो आपके पुलिस वाले में दोस्त हैं आपके, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त यारों से गाली बकवा रहे थे, वो बकवाओ, मैं चाहता हूँ वो बकवाओ, फिर मैं आपके जो इज्जत उतारनी है फिर वो मैं उतारूंगा, ठीक है सर? क्या करोगे सर फिर आप? ऐसे तो आप पैसा भरोगे, पैसा तो आप ऐसे तो भरोगे नहीं, क्योंकि मेरे को पता लग चुका है पैसा ऐसे भरोगे नहीं, जब कई रिश्तेदारों में बदनामी होनी स्टार्ट हो जाएगी ना, ठीक है? पहले मैं आपको बहुत प्यार से समझा रहा था मगर आप समझ नहीं रहते, ठीक है? मगर कहते हैं ना प्यार, चलो कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते सर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आपका वही वाला सीन है। चलो सर मैं जुगाड़, आपको भी ठीक लगे आप वो कर, जुगाड़ करवाता हूँ, करवाता हूँ अभी जुगाड़। नहीं नहीं नहीं, हेलो, आपके जो चेक कर सकते हो, आप अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो, जो आप नाना जी है ना उनको फोन करके पूछ लो, आपको और अपने पिताजी को पूछ लो फोन करके कि आपके पिताजी को क्या क्या सुनने के लिए मिल चुका है अभी तक, ठीक है? क्या क्या सुनने को मिल चुका भाई? अरे हेलो, आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक पवन गोयल से भी पूछ लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, पवन गोयल, आपने कॉन्टैक्ट लिस्ट पे वो कर दिया है, कॉल कर रहे हो? कॉल जानी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इतना टाइम में रुक नहीं सकते हैं, कॉल जानी स्टार्ट हो चुकी है। एक सबसे पहले गोलू भाई से पूछना, फिर नाना जी से, ठीक है? फिर जो तो आपके नाना जी है ना उनसे भी पूछ लेना। मेरा कॉल जानी स्टार्ट हो चुकी है, जो 5-6 नंबर मेरे पास आ गए हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। अच्छा अच्छा, जो मेरी कॉल जानी, हाँ, क्योंकि फिर आपको ऐसा मन नहीं है ना, क्योंकि पेमेंट आप ऐसे कर नहीं पाओगे। क्यों सर? आप अच्छा, यानी दूसरे बंदों के पास हरासमेंट करोगे आप? हेलो सर, क्योंकि आप जो कहते हैं ना प्यार, सर आपको बहुत प्यार से समझाया था मैंने, लिख कर दिया था, सीन करके जो छोड़ रहे थे ना, सीन करके जो छोड़ रहे थे ना, हेलो आप छोड़ दीजिए सर। अब हेलो, ये नहीं क्या करोगे भाई, जो आप सीन मैसेज, हेलो, जो आप मैसेज सीन करके छोड़ रहे थे ना, वो आपने गलती कर दी, आपने जो आप मैसेज सीन करके छोड़ रहे थे ना। अच्छा अच्छा, कहीं क्या कर लोगे भाई, वो करी क्या करोगे सर? यार भाई हम तो कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट लिस्ट में कौन करेंगे यार, उनका तो मैंने बोल रखा पहले ही। हेलो, सबको बोल रखा है ना आपने, सबको बोल रखा है ना? हाँ क्या? हेलो, ठीक है भाई, सबको बोल रखा है तो ठीक है, कोई क्या करोगे भाई फिर बताओ तो। हम क्या करते हैं सर, हम नहीं करेंगे, लीगल डिपार्टमेंट वाले करेंगे, जो भी करेंगे लीगल डिपार्टमेंट की टीम। लीगल डिपार्टमेंट में कहाँ जाओगे भाई, कर लीजिएगा, फ्रॉड काम तो तुम कर रहे हो भाई। भाई अपनी एजेंट आईडी भेज दे और पैसे ले जा भाई। तो यही तो चाहता था मैं, ये जो आप कह रहे हो ना एजेंट आईडी, अरे भाई मैं पिनू बोल रहा हूँ, तुम्हें अकाउंट में पैसे डाल, मैं तुमको अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ क्या, ये तू इसमें डाल, मैं यूँ कह रहा हूँ तूने जहाँ से इस्तेमाल कर रहा ना मोबीक्विक ओपन कर, आईडी एक बार बताओ, आईडी भेज दो सर आप अपनी और पैसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आईडी देने का अलाउड ही है ना भाई,
क्यों नहीं अलाउ होता सर? आरबीआई गाइडलाइन से पहले ये टर्म कंडीशन है, जो भी एजेंसी किसी के पास फोन करेगी ना, जो भी एनबीएफसी कंपनी फोन करेगी ना, तो उसको भाई अपनी आईडी शो करनी पड़ेगी कस्टमर को। हेलो, आरबीआई की गाइडलाइन दी गई हो? अरे यार खोल के पढ़ लेना तू। हेलो, मेरे को पढ़ना नहीं आता, मेरे को पढ़ के देखो, पढ़ के देखो ना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। यानी तुम हैरेसमेंट करते हो यार सभी को। जी भाई, मैं हैरेसमेंट करता हूँ, ले मैं करता हूँ, कुछ कर लेगा भाई तू मेरा? ये इलीगल है ना भाई, लीगल तरीके से काम करो। क्योंकि देखो प्यार से, क्योंकि तू 160 दिन से पैसे लेके बैठा है, तो तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। तो दिए 160 दिन प्यार से समझ तो आ नहीं रहा। क्यों सर, मैंने तो भर भी दिए थे। ठीक है, 15 दिन, अरे 15 दिन के समय में जब तूने पूरा पैसा तेको भरना था, जब है ये तू ऐसा पेनल्टी पे थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करेगा, तो तेरी पेमेंट पेनल्टी कम होगी ना, पेमेंट थोड़ी ना कम होगी। जो तूने जिसे ब्याज से पैसा लेता है तो ब्याज बढ़ता रहता है क्या, मूल छोड़ देता है क्या? है यानी सर इसका मतलब यार फाइनेंशियली क्रैश के कारण यानी किसी को दिक्कत हो जाए तो आप हैरेसमेंट करोगे उन बंदों को, बताओ। अबे तो भाई 160 दिन से लेट करता है क्या? 160 दिन से लेट करते हैं क्या? 160 दिन से किसी को ज्यादा फाइनेंशियली दिक्कत हो गई तो यार 160 दिन भी हो जाते हैं कभी कभी बंदे को। तो भाई बात करके आराम से मैटर सोल्व करना होता है, जो यू नहीं कि दूसरों को फोन पकड़ा पकड़ा के गालियां दिलवा रहा है। मैं तो फोन उठा के मैटर सोल्व करना चाहता हूँ भाई, तुमने ये परेशान कर रखा है यार। हेलो कर भाई। हेलो, मैं तुमको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, तू ऐसा कर भाई, तू अपना सेटल कर ले अमाउंट, आज की डेट में सेटल अमाउंट कर दे पेड, तेरा लोन खत्म हो जाएगा। ठीक है, 9,600 रुपए में तेरा लोन खत्म हो जाएगा। 9,600 में सेटल होगा लोन, सेटल हो जाएगा। ना कॉल आएगी ना मैसेज आएंगे, ना कहीं कॉल जानी। अगर तू पेमेंट नहीं करेगा तो ऐसी कॉल जाती रहेगी, परेशान हो जाएगा तू भाई, पूरे दिन रात की अपने अपनी पेमेंट के चक्कर में दूसरों से सुनेगा। अच्छा मतलब इससे सब पेमेंट करवा शायद हटो ना यार। ठीक है, तो ये बता दे मेरे को 2 बजे तक पेमेंट हो जाएगी तेरी या नहीं हो जाएगी? 2 बजे तक तो यार अभी क्या बजे, 12 बज चुके हैं यार, अभी 12 बजे, 4 बजे तक हो जाएगी, 4 बजे तक। हेलो तक भाई, तू उस दिन डेली ऐसी बोलना 4 बजे तक, नहीं मैं नहीं सुन सकता ना, 4 बजे का टाइम नहीं है ना मेरे पास। 4 बजे मेरे को, 2 बजे मेरे को पेमेंट की रिपोर्टिंग भेजनी आके भाई। हाँ? अभी करवा दे पेमेंट 2 बजे तक, 2 बजे तक एडजस्ट कर ले, 2 घंटे में सब कुछ हो जाएगा, मांगेगा ना 2 घंटों में सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, बोल दे भाई मेरे से पैसा दे दे मेरे को बाद में ले लेना थोड़े देर, मैं तेरे व्हाट्सएप पर एलओडी भी रखा है। ठीक है, ठीक, पेमेंट करवा के स्क्रीन शॉट भेज दिए बस भाई मेरे को, पेमेंट कर दे खुद ही से। मैं नहीं बोल रहा, मेरा अकाउंट में पहले डाल, मोबिक्विक ओपन कर, जहाँ से तूने लिया है वहाँ से पेमेंट कर। ठीक है, बस तेरे को अगर तेरे को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजना, कोई दिक्कत नहीं है, मत भेज तू वो भी, तो यूँ बता दूँ भाई तुम्हारी पेमेंट हो गई है। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा भाई ये क्या वो लोन क्लियर हो चुका है? मैं तो शायद वो दूंगा ना, मेल दूंगा, मेल प्रोवाइड करूंगा। मेल से नहीं कोई यार, वो चाहिए, वो रिटर्न में तो चाहिएगा ना कुछ ना कुछ। अरे देख भाई, देख मैं क्या करो, मैं तू पेमेंट कर देगा तो मेल एनओसी प्रोवाइड कर दूंगा। एनओसी प्रोवाइड करोगे? मेल और एनओसी तुरंत ही करंट में प्रोवाइड कर दूंगा, करंट में लाइन पर रह के ही। ठीक है, मैं तो पेमेंट करवा दियो भी, तो भाई जो कॉल जा रही होगी मैं कहीं स्टॉप नहीं करूंगा। देख अभी तो मैं बहुत आराम से समझा दे रहा हूँ मेरे भाई, देखो मैं तो बहुत प्यार समझा रहा हूँ, अभी मजाक करके बहुत प्यार समझा रहा हूँ, नहीं तो मैं इतनी प्यार से समझाता नहीं। ठीक है गुरु जी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय का बांधना बहुत ज्यादा टूट चुका है, क्योंकि आराम से अगर पहले आप बात करके कर लेते ना, पहले तो मैं आपको छोड़ देता, मगर अब आप ये जो करोगे ना, कहीं पहले मीटिंग भी आप बोले थे करवा दूंगा, फिर आपने बोलने लग गए, मैंने कल ट्विटर पे ये कर दिया वो कर दिया, ट्विटर वाले आप भेजने लग रहे थे, फिर आप उस दिन बोल रहे थे मैं पेमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है, अब फिर आपने पुलिस वाले से बात करवाने लगे,
ये सब करने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। अगर आप मेरे को पकड़ लोगे ना तो पकड़ने का कुछ कर भी नहीं पाओगे, जितना तुम्हारा पैसे नहीं ज्यादा तो लग जाएगा तुम्हारा खाने वाने के अंदर जाओगे ना ज्यादा लगेगा तुम्हारा। ठीक है तो भाई मैं आपको बहुत आराम से समझा दे रहा हूँ, आप ये पेमेंट करवा के ठीक है 9,600 रुपए का पेमेंट करवा के स्क्रीन पर डाल देना, मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया है। ठीक है मेरे भाई ठीक है, आप भी आपके लिए भी बढ़िया होगा हमारे लिए भी बढ़िया होगा। ठीक है भाई ठीक है, मैं 2 बजे फोन करूंगा, 2 बजे बहाना वाना मत मारना, 2 बजे पेमेंट करवा के स्क्रीन शॉट डलवा देना बस खाली। ठीक है भाई साहब,